स्टूडेंट्स नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रियल नंबर में आज हम आपको उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो एक प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर है तो उसका फॉर्म जो है 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसा कि आप लोगों को बताया गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, तो यहां पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a=bq+r। ठीक, यहां पर a क्या है, आपका डिविडेंड है, डिवीजर कोशिएंट रिमाइंडर, रिमाइंडर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी होती है। ठीक, अब हमें क्या प्रूफ करना है, 4q+1 एंड 4q+3 के फॉर्म में आर पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम सपोज कर लेते हैं b=4, तो आपका a=2 हो जाता है 4q+r। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी r की वैल्यू है यहां पर वो हम कहां से 0, 1, 2, 3 तक पुट करेंगे। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल r की वैल्यू जो है वो 0 और b के बीच होती है, b हमारा 4 है, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 0 to 3, लेस देन 4 मीन्स 0 से 3 तक। तो अगर r a की वैल्यू हम यहां पे स्मॉल r 0 लेते हैं तो a क्या आएगा, a हमारा आएगा 4q, r की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो a=4q+1, r=2 लेने पर a की वैल्यू आएगी 4q+2, r=3 लेने पर a=2 क्या आएगा, 4q+3 आएगा। तो अब आप देखिए, ये जो 4q है 2 × 2q लिख सकते हैं, ये आपका इवन है, तो ये वाला केस हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये आपका ऑड है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना है, ठीक है ना। आपका ये 4q+2, इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2q+1 आएगा, ये भी आपका इवन है, इसको भी रिजेक्ट कर दोगे। लास्ट आपका ये क्या है, ये ऑड है, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में होगा। हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हम इस प्रकार से ही करेंगे क्योंकि हमें और प्रूफ करना था। इसको समझने के लिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। स्टूडेंट My next question is, prove that square of any positive integer is of the form 5q, 5q+1, 5q+4 for some integers q। किसी भी positive integer का अगर हम square लेते हैं तो square 5q, 5q+1, 5q+4 के फॉर्म में होता है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके सोल्यूशन में
हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी होती है। क्यू आपका यहां पर क्या है, कोशेंट है। क्यों क्या है, कोशेंट है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, हम यहां पर करेंगे कुछ इस प्रकार से, हम बी की वैल्यू लेट कर लेंगे आपका फाइव, बी हम फाइव लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे फाइव, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है, फाइव क्यू प्लस वन, फाइव क्यू प्लस फोर प्रूफ करना है, वो भी इसके स्क्वायर का। तो यहां पर हम q को m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कोशेंट को m मान लेते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके 5m प्लस r, रिमाइंडर जो है 0 से ग्रेटर और इक्वल लेस देन 5 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर जो b की वैल्यू है वो हम जीरो से लगा के कहां तक लेंगे, आर की वैल्यू कहां, आर की वैल्यू जीरो से लगा के फोर तक लेंगे, ठीक है। तो आर इक्वल टू जीरो के लिए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल टू फाइव एम प्लस जीरो, फाइव एम आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर लाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, फाइव स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना। फाइव को हम बाहर करते हैं, फाइव स्क्वायर में फाइव टू फाइव में इसको तोड़ लेंगे, ठीक, और इसे हम क्यू सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया, फाइव क्यू, क्योंकि हमें प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म फाइव क्यू, फाइव क्यू प्लस वन, फाइव क्यू प्लस फोर। तो हमने यहां पर क्या किया है, देखिए पहले स्टेप में स्क्वायर जो है ये फाइव क्यू के फॉर्म में आ गया, जहां पर जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है, फाइव एम स्क्वायर है, ओके। आर इक्वल टू वन के केस में ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव एम प्लस वन। अब बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव एम प्लस वन होल हाफ स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, होल हाफ स्क्वायर खोलिए, ए प्लस बी होल हाफ स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, फाइव क्यू प्लस वन, फाइव क्यू आ गया, आर फाइव क्यू प्लस वन, फाइव क्यू प्लस फोर। तो अब इसमें देखिए हम इस प्लस वन को अलग कर लेंगे और इन दोनों में हम फाइव कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा, फाइव एम स्क्वायर प्लस टू एम, इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस वन को अलग कर लिया और इसे हमने क्यू मान लिया है, तो फाइव क्यू प्लस वन आ जाएगा, जहां क्यू की वैल्यू क्या है, फाइव एम स्क्वायर प्लस टू एम, ओके। तो देखिए इसका स्क्वायर हमने किया तो ये आ गया। अब हम बात करते हैं r इक्वल टू टू पर, r इक्वल टू टू पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, r इक्वल टू टू, तो r इक्वल टू टू पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव एम प्लस टू हो जाएगी। इसका स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर दिखाना है, देन ए प्लस बी होल हाफ स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ फाइव एम इंटू टू। अब देखिए टू स्क्वायर तो फोर हो जाएगा, इस फोर को अलग कर लेंगे और इन दोनों में फाइव कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, फाइव एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस फोर, और इसे हम मान लेंगे क्यू, तो फाइव क्यू प्लस
फोर वेयर क्यू इक्वल टू फाइव एम स्क्वायर प्लस फोर। बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यह करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर फाइव क्यू प्लस वन फाइव क्यू प्लस फोर होता है। तो फाइव क्यू आपने प्रूफ कर लिया, फाइव क्यू प्लस वन भी आपने प्रूफ कर लिया, फाइव क्यू प्लस फोर भी आपने प्रूफ कर लिया, लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू कहां तक जाएगी? रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से लगा के फोर तक जाएगी। तो हम स्टार्टिंग के हमने तीन निकाल लिए हैं, अब हम फोर के लिए चेक कर लेते हैं। थ्री पर अपने आप से चेक करिए, ठीक है। जब थ्री पर चेक करेंगे तो अगेन फिर यही चीजें रिपीट होने लगेंगी, अगेन यही चीजें रिपीट होने लगेंगी। आप फोर पे एक बार चेक कर लीजिए, इतना आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, ठीक है ना। अब हम आर इक्वल टू फोर पर हम चेक कर लेते हैं इसके स्क्वायर का की वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। देखिए आर इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव एम प्लस फोर आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, फाइव एम प्लस फोर स्क्वायर। अब इसका ए प्लस बी वाला आप स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। अब देखो बेटा, हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 5 एम स्क्वायर प्लस 8 एम और प्लस 16। इस 16 को हम क्या 15 प्लस 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें तो फॉर्म इन्हीं फॉर्म में बनाना है, इन्हीं फॉर्म में बनाना है। तो एक काम ये करते हैं, हम इसको 15 प्लस 1 में तोड़ लेंगे। अब इसमें से आपका कॉमन आ रहा है 5, तो ये आ गया 5 एम स्क्वायर प्लस 8 एम और इसमें प्लस 3, 5 3 जा 15 प्लस 1 और इसे आप क्यू ले लीजिए, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू प्लस 1 वेयर क्यू इक्वल टू 5 एम स्क्वायर प्लस 8 एम प्लस 3, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस भी फॉर्म में होता है, 5q + 1 5q + 4 के फॉर्म में होता है। ध्यान ही रखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि हमें यहां पर जो नंबर ये दिया होता है, ठीक है, हम a इक्वल टू उस नंबर के साथ कोशियंट को लेते हैं प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से लगा के इस नंबर के जस्ट पहले के इंटीजर तक लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m + 1 9m + 8 के फॉर्म में होता है, जहां पर क्यूब कोई भी। तो इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही सारे क्वेश्चन करने हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू यहां पर बी की वैल्यू हम 9 मान लेंगे, 9q + r। अब स्मॉल r की वैल्यू हम कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लगा के 9 तक लेंगे, लेस देन 9 8 तक लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम पुट कर देंगे, पुट r इक्वल टू 0 1 2 अप टू 8। तो देखिए अब हम 0 से लगा के 8 तक तो हमारे टोटल 9 स्टेप हो जाएंगे। स्टार्टिंग के कुछ स्टेप कर लेते हैं, लास्ट स्टेप कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m + 1 9m + 8 के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो हम r इक्वल टू 0 पर वैल्यू देखते हैं, a इक्वल टू क्या आएगा, 9q + 0 means 9 क्यूब। अब बेटा ऐसा है, इसका हम क्यूब करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था ऐसे इसका हम क्यूब करेंगे। तो ए क्यूब क्या आएगा, 9 क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है। हमें 9m + 1 के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हमको बनाना है, देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 9 क्यूब को हम 9 × 9 स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, ठीक, और इसे अब हम मान लेंगे क्या, एम के इक्वल,
तो देखिए 9m आ गया, m इक्वल टू 9 स्क्वायर क्यू क्यू, यही प्रोसेस है इसको करने का, विधि यही है, ठीक है। तो क्यूब r इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m आ रहा है, r इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं 9 क्यूब प्लस 1 आएगा, इसका क्यूब करते हैं, क्यूब करेंगे तो बेटा 9 क्यूब प्लस 1 होल ऑफ क्यूब, a प्लस b होल ऑफ क्यूब, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ab a प्लस b a प्लस b। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के ही फॉर्म में बनाना रहेगा। तो अब देखिए इस 1 क्यूब का जो 1 है इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक, और फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म से हम 9 कॉमन लेते हैं, तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस, जब आपने 9 कॉमन ले लिया है तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 3 क्यू 9 क्यूब प्लस 1। इसको एक ब्रैकेट मान लेंगे, इसे m मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, m, तो 9m प्लस 1 आ गया, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, वेयर m इक्वल टू 9 स्क्वायर क्यू क्यूब, ये लिखना जरूरी होता है, 9 क्यूब प्लस 1। तो हमें करना क्या है कि जिस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है उस फॉर्म में हम इंटीजर का क्यूब बना लेते हैं, अगर बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्यूब जो इस फॉर्म में होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपका ए क्यूब ये आ गया कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म में है, और ये आपने अभी फर्स्ट स्टेप में r इक्वल टू 0 पर आपने ये दिखाया। अब r इक्वल टू जब 2 पर आप चेक करेंगे तो 100% क्या होगा, ए r इक्वल टू 2 रखेंगे तो 9 क्यूब प्लस 2 आएगा, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो 2 क्यूब 8, 8 को अलग कर लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे 0 से लगा के 8 तक टोटल 9 स्टेप होते हैं, तो हमने 2 स्टेप ये करके दिखा दिए, अब लास्ट स्टेप हम 8 पर चेक कर लेते हैं, 8 पर, ठीक है, 8 पर चेक कर लेते हैं, देखो 8 पर चेक कर लेते हैं, इतना आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं r इक्वल टू 8 पर, r की वैल्यू 8 पुट करेंगे, रिमाइंडर 8 लेंगे, फिर उसका हम क्यूब करेंगे a का, और फिर चेक करेंगे किस फॉर्म में आता है, ठीक है। r इक्वल टू 8 पुट करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 9 क्यूब प्लस 8, ठीक है, इसका क्यूब करिए क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में लाना है, a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 8 होल ऑफ क्यूब, a प्लस बी होल ऑफ क्यूब अप्लाई करेंगे क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a, इसमें a प्लस बी होल ऑफ क्यूब अप्लाई करेंगे 9 क्यूब प्लस 8, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें से फर्स्ट और लास्ट टर्म से हम 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 9 स्क्वायर प्लस 3 क्यू 8, 9 क्यू प्लस 8, और इसको अलग करते हैं, 8 क्यूब क्या होगा, 12 करते हैं तो आप देखिए हमें क्या करना है, हमें इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में बनाना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये इसमें से तो 9 कॉमन आ गया, अब हम इस 512 को 8 से करते हैं डिवाइड, सॉरी 9 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें 9 ही कॉमन निकालना होगा, देखिए क्या आएगा, 9 5 45 माइनस करेंगे
तो ये आपका आएगा 6 56। देखो तो अब इसमें हम करेंगे क्या, देखो इसको हम 9 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब 8 9 क्यूब प्लस 8 इसी फॉर्म में बनाना होता है। 512 को हम क्या करेंगे 9 into 56 plus 8 कर लेंगे, 8 देखिए अलग हो गया। अब इसमें से फिर होल में से 9 कॉमन आ रहा है, इस टर्म से और इस टर्म से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लेंगे ठीक है। आप बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में ना पड़िएगा कि हम 9 क्यूब करेंगे, सब हमें करना क्या, इस फॉर्म में बनाना है तो हमको 9 कॉमन लेना है और 1, 8 और 0 को अलग कर देना है ठीक है ना, और एडजेस्ट लिख देना है जो चीजें हैं, और इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 56 भी इसके साथ में आ जाएगा प्लस 8 ठीक। और इसे आप m मान लेंगे, होल वैल्यू को क्या मान लेंगे m, तो ये भी 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसका हम क्यूब लेते हैं तो क्यूब 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन बदल भी सकते हैं और भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, हमें करना क्या है जो प्रूफ करना है इसके अकॉर्डिंग, ये जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है इसके अकॉर्डिंग हम b को मान लेते हैं, बाद में स्क्वायर क्यूब ठीक है और रिमाइंडर की वैल्यू जो b की वैल्यू होती है उससे जस्ट पहले का इंटीजर और जीरो से वहां तक हम पुट करके सॉल्व कर लेते हैं ठीक। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, आज इन क्वेश्चन के साथ हमने अपनी क्लास को खत्म किया है। आप इन क्वेश्चन को बार बार एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे। आई होप एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन इसमें से आता है और मिलेगा भी। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।